बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मींस मेनी, सेक्राइड्स शुगर यूनिट्स, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके बनती हैं। जब इन कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलाइसिस होती हैं, ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जेनरेट होते हैं। पॉलीसेक्राइड लार्जेस्ट ग्रुप है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी टू मेन टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेक्राइड, हेटरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड्स ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड्स के साथ मिलके बनते हैं। यानी जब मोनोसेक्राइड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और जो एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलके पॉलीसेक्राइड बने होते हैं उन्हें मोनोसेक्राइड कहा जाता है, यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्युलोस, काइटिन। अगर हम स्टार्च की एग्जांपल लें तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है, जबकि हेटरोपॉलीसेक्राइड ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को कहा जाता है वो जो डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं, जिसमें एगर की एग्जांपल आती है, पेक्टिन की एग्जांपल आती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की एग्जांपल आती है। अगर हम एगर की एग्जांपल लें तो एगर जो है वो एग्रोस के साथ और एग्रोपेक्टिन के साथ मिलके बनता है। पॉलीसेक्राइड्स के जो मेन फंक्शन हैं वो क्या हैं कि ये एज अ फूड यूज़ होते हैं, एज अ एनर्जी स्टोर यूज़ होते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर होती है, जैसे ग्लाइकोजन जो है वो उसे एनिमल स्टार्च जो है वो कहा जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है वो स्टोरेज होती है कार्बोहाइड्रेट की इन द बॉडी, तो ये एज अ एनर्जी स्टोर यूज़ होते हैं। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल का इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हम अगर सेल वॉल की एग्जांपल लें तो सेल्यूलोज जो है वो इसका प्लांट सेल का मेन कंपोनेंट होता है, काइटिन फंजाई के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकेन जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पॉलीसेक्राइड एज अ सेलुलर कम्युनिकेशन सिग्नलिंग के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ये जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये लिपिड्स के साथ और प्रोटीन के साथ मिलके कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और डिफरेंट सेल्स के ऊपर अटैच होते हैं और सिग्नल के तौर पे एक्ट करते हैं फॉर अदर एंटीजेंस या प्रोटीन्स के वो आके इनके साथ बाइंड करें, जैसे कि आरबीसी की सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन के साथ आके एंटीजन ए या बी जो है वो बाइंड करता है। अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे आर टेस्टलेस, यानी इनका साइज़ जो है वो इतना बड़ा होता है कि वो जो टेस्ट रिसेप्टर है उसमें फिट नहीं आता, जिसकी वजह से इनका जो टेस्ट है वो फील नहीं किया जा सकता। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि जो शुगर रेसिड्यूज़ हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन इतनी टाइट होती है कि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग, इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता जिसकी वजह से दे आर फ्री कीटो ग्रुप नहीं होता, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता जिसकी वजह से दे आर नॉन रिड्यूसिंग, और ये क्रिस्टल की फॉर्मेशन भी नहीं करते। ये वाइट पाउडर की फॉर्म में जब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो वाइट पाउडर की फॉर्म में होते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है CXH2O होल बाय, ये जो X है और बाय है इसका नंबर जो है वो 1000 तक जो है वो जाता है। दो मेन प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो है वो होमोपॉलीसेक्राइड या हेटरोपॉलीसेक्राइड की सिंथेसिस को हम कह सकते हैं कि जब एक ही टाइप के बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स कंबाइन होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की जो रिलीज होती है और आपके पास जो होमोपॉलीसेक्राइड या हेटरोपॉलीसेक्राइड बनता है उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है, जबकि इसके अपोजिट जो प्रोसेस होता है उसे सैक्रिफिकेशन कहा जाता है। सैक्रिफिकेशन के प्रोसेस में पॉलीसेक्राइड की ब्रेकडाउन होती है इनटू द मोनोसेक्राइड यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड्स को किसी भी सैंपल में आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है उसे PAS-10 टेस्ट कहा जाता है, यानी पीरियोडिक एसिटिक स्किफ स्टेन यूज़ किया जाता है इसको डिटेक्ट करने के लिए। और जब ये PAS यानी पीरियोडिक एसिड स्किफ का जो पीरियोडिक एसिड जो इसका कंपोनेंट होता है जब वो पॉलीसेक्राइड के साथ इंटरेक्ट करता है तो मैजेंडा
ब्लू पर्पल कलर जो है वो नज़र आता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन सैंपल में ये पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं।